रहीम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं तमाम बिल्कुल बखैर आफियत होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, शाद आबाद होंगे, मज़ों में होंगे। वी लॉग ऑफ यासिर सोहरावर्दी में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और मैं आपको रमज़ान के बोल के सेट से लेकर और बहुत सारी चीज़ें आपको रमज़ान में दिखा रहा हूं और आपको दिखाता रहता हूं अपने व्लॉग्स में। बहुत सारे जो है हमारे सेट, जो हमारे रमज़ान के सेट हैं और जो हमारे जो मैंने बॉल बीट्स पर अभी आपको कलाम के बारे में बताया, बहुत सारा मैंने आपको सेट, बहुत सारे सेट दिखाए, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे बहुत प्यारे दोस्त रिजवान घुम्मन से मिलाने लगा हूँ। रिजवान इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, और रिजवान घुम्मन बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा पार्टनर है, और इस वक्त जो है ये गाड़ी चला रहे हैं और हम जो है इंजॉय कर रहे हैं इनके साथ। अभी हमने इफ्तारी के बाद चाय पी है और मज़ा आ रहा है। और रिजवान भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं आप, और ये है कि थोड़ा सा जो है वो ये बताएं कि ड्राइविंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा ये गाइडलाइन दे दें। मंजन बेचना मंजन में, अच्छा भाई बेच दे मंजन जो भाई। ड्राइविंग करते हुए सभी ड्राइवर्स होंगे देखने वाले भी, तो ड्राइविंग करते हुए ख़ास तौर पे मेरे साथ हमारे जो सीनियर हमारे उस्तादों की तरह हैं समझे, नसीर भाई हैं, तो वो ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, तो उनके आगे मैं क्या बताऊँ। देखें, सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए सामने फ्रंट पे, और आपका माइंड सेट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो, बिल्कुल हाजिर दिमाग से आपने गाड़ी चलानी है, अपने दोनों साइड मिरर्स पे आपने देखना है और सामने स्क्रीन पर देखना है, मतलब आपने चारों तरफ ध्यान रखना होता है और बिल्कुल चौकन्ने होकर आपने बैठना होता है। और जब इस तरह की कोई सायरन की आवाज़ आए पीछे से एम्बुलेंस वगैरह के, तो आपने फ़ौरन उसको रास्ता देना है। हमारे पास भी, हम भी बजाएंगे तो लोग हमें भी रास्ता दे दें। सुन रहे हैं ना आप लोग, तो बस इन चीज़ों का ख्याल है, बाकी इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज़ टू मच ईजी, बस अपना फोकस अच्छा रखें, ध्यान से करें सब कुछ, अल्लाह ताला आसानी करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरे साथ जो है वो हमारे नसीर भाई, यार कार यार, हमारे यारे कार यारे कार नसीर वड़ाइच साहब, चौधरी साहब माशाल्लाह मौजूद है। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चौधरी साहब थोड़ा सा बताएं कैसा लगता है आपको हमारे साथ? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के साथ हमें बहुत मोहब्बत मिली है, और पूरे रमज़ान आपके साथ रहे हैं, ऐसे रहे हैं दोस्तों की तरह, और आप लोगों ने भी समझ लो कि अपना बड़ा भाई समझ के हमारा साथ पूरा दामन किया, हमने भी किया आप लोगों के साथ। अच्छा नसीर भाई, आपसे एक सवाल है जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह बड़े बड़े स्टेज ड्रामे और आर्टिस्ट के साथ काम किया है, फिल्म स्टार्स के साथ काम किया है, आपका इस साल हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन आपने जो की हम सब के साथ, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आप? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा और बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, और मुझे नहीं लगता कि आप ये सफ़र कभी भूल पाएंगे। नहीं आप ऐसे और इसी तरह हमेशा मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, मिलते रहेंगे। और नसीर भाई, रिजवान भाई की आवाज़ कैसी है बताएं? माशाल्लाह रिजवान भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, और हमारे यासर भाई हैं उनकी भी माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है आपको? बहुत प्यारी लगती है, दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। और नसीर भाई जो है वो पूरे रमज़ान घुमन आपको भी याद होगा, और आप भी माशाल्लाह देखते रहते हैं कि पूरे रमज़ान नसीर भाई के स्टेटस पर हमारी नाते और हमारी तस्वीरें वगैरह लगी हुई रहती थी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते थे नसीर भाई, और करते हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह हमारा एक ताल्लुक रहेगा और मोहब्बतें रहेंगी। हमारा ताल्लुक जो है सिर्फ रमज़ान का नहीं है नसीर भाई, ये रमज़ान के बाद भी इस तरह इंशाल्लाह जारी रहेगा। इंशाल्लाह डन डन डन, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में भी आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि मैं चंद चीज़ें जो है वो ले लेता हूँ व्लॉग में सीधा सीधा, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।